हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने बालों की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से कर सकते हैं, मतलब अपने बालों की लंबाई आप बहुत ही तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा नुस्खा बनाकर दिखाएंगे जिससे आप अपने बालों को काले, घने व सिल्की बना पाएंगे और अपने बालों की ग्रोथ इतनी तेज़ी से कर पाएंगे कि आपको देखने वाले सब इंसान हैरान हो जाएंगे। और गाइस, आप इस नुस्खे को बहुत ही आसानी से बना भी सकते हैं और अपने बालों में लगा भी सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और आप इसे इस्तेमाल करके अपने बालों की ग्रोथ बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आप भी अपने बालों की ग्रोथ ना होने की वजह से परेशान हैं, आप चाहते हैं आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होने लगे जो कि काफ़ी लंबे समय से रुकी हुई थी, आपके बाल सिल्की, घने व शाइनी होने शुरू हो जाएं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको सारी बातें सही से समझ आएँ और आप इस नुस्खे के इस्तेमाल से अपने बालों की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से कर पाएँ। और गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट भी, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गाइस, तीन चीज़ों की मदद से हम इसे बनाने वाले हैं। मैं पहली है गाइस, क्लिनिक प्लस शैम्पू। गाइज, आप कोई भी शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप डेली रूटीन में अपने बालों पर करते हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको सिंपली करना है कि जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं उसकी कुछ क्वांटिटी एक साफ कटोरी में आपको ऐड कर लेनी है। ये देखिए गाइज, लगभग इतनी क्वांटिटी एक साफ कटोरी में आप उस शैम्पू की ऐड कर लीजिए जो आप डेली रूटीन में अपने बालों पर इस्तेमाल करते हैं। गाइज, दूसरी चीज़ जो आपको इसके अंदर ऐड करनी है वह गाइज आंवला पाउडर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गाइज, आपको पता ही होगा कि आंवला आपके बालों के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो भी लोग आंवला पाउडर का इस्तेमाल या आंवला से बनी चीज़ों का इस्तेमाल अपने बालों पर करते हैं उनके बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की, शाइनी बने रहते हैं और उनके बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहती है। सो गाइज, इसी तरीके से आज हम आंवला पाउडर का इस्तेमाल करने वाले हैं। प्राचीन समय से ही इसका इस्तेमाल किया जा रहा है बालों की ग्रोथ के लिए। सिंपली आपको करना ये है कि आंवला पाउडर का आधा चम्मच के बराबर इसके अंदर ऐड कर लेना है। ये देखिए गाइज, इतना आंवला पाउडर एक आपको इसके अंदर ऐड कर लेना है। ये देखिए गाइज, गाइज आंवला के अंदर वो सारी खूबी होती हैं जो आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही तेजी से करेगी, आपके बालों को सिल्की बनाएगी और आपके बालों को इतना ज़्यादा खूबसूरत बना देगी सब आपको देखकर हैरान हो जाएंगे। गाइज, आप इस नुस्खे को कंप्लीट करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, आपको एलोवेरा जेल इसके अंदर ऐड करना है। गाइज, अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी एलोवेरा का पौधा अवेलेबल है तो आप उससे एलोवेरा जेल निकाल कर लाइए और इस नुस्खे में ऐड कीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा। लेकिन अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप रेडीमेड एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं करने वाला हूँ। आप किसी भी अच्छी कंपनी का एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सिंपली करना ही है कि कुछ क्वांटिटी में एक चम्मच के बराबर एलोवेरा जेल इसके अंदर ऐड कर देना है। ये देखिए गाइज, इतना एलोवेरा जेल ऐड कर दीजिए। अब गाइज, आपका नुस्खा बनकर तैयार हो गया है, बस आपको इसे मिक्स करना है और अपने बालों में अप्लाई करना है। तो चलिए पहले इसे मिक्स करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इसे अपने बालों में अप्लाई करना है जिससे आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सके। गाइज, आपके बालों को सिल्की तो बनाएगा ही, शाइनी तो बनाएगा ही और आपके बालों की ग्रोथ इतनी तेज़ी से करने लगेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। गाइज, जो भी चीज़ हमने इसके अंदर ऐड की है बहुत ही नेचुरल है, बिना साइड इफेक्ट के आपके बालों पर ये वर्क करेंगी, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देखिए गाइज, अब आपका नुस्खा बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इसे इस्तेमाल करना है। गाइज, कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपको इसको अपने बालों में लगाना है। आपको सिंपली करना ही है कि जब भी आप नहाने जाएं उससे 15-20 मिनट पहले आप इसे अपने बालों में लगा लें, अच्छे तरीके से मसाज करते हुए सभी जगह लगा लें और उसके बाद गाइज 15-20 मिनट तक आपको इसको लगा रहने देना है और उसके बाद अपने बालों को वॉश कर लेना है। अगर यही प्रक्रिया आप हफ्ते में 2 या 3 बार करेंगे, जैसे भी आप यूज़ करते हैं शैम्पू को उसी तरीके से आपको इसे यूज़ करना है, 2 या 3 बार इस्तेमाल के बाद आप देखेंगे जो आपके बाल रूखे ड्राई हो गए थे वो बहुत ही ज़्यादा सिल्की व शाइनी हो गए हैं और जो आपके बालों की ग्रोथ रुक गई थी वो ग्रोथ भी बहुत ही तेज़ी से होने लगी है। गाइज, जो भी चीज़ हमने इसके अंदर ऐड की है बहुत ही नेचुरल तरीके से आपके बालों को शाइनी बनाती है, आपके बालों की ग्रोथ बढ़ाती है और आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम को भी कम करती है। सो गाइज, अगर आप भी अपने हेयर की प्रॉब्लम से परेशान हैं, आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप इन नुस्खे को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से आप इसे अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप इन नुस्खे को जरूर ट्राई कीजिएगा। और गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और गाइज, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।